हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बोर्ड का प्राइस कंपैरिजन करेंगे और जो साउंड की क्वालिटी है, साउंड आउटपुट है, उसका कंपेयर करेंगे, ताकि आप इन दोनों में से एक चूज कर सकें कि आपको कौन सा खरीदना है, कौन सा बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे एसटीके 4141 की। तो गाइस, इसकी आउटपुट का तो आपको सभी को पता है, क्योंकि वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी। तो इसकी आउटपुट आपको मिलती है 25+25 वोट, यानी कि 50 वोट इसके अंदर सिंगल आईसी में हमें मिल जाती है। डुअल चैनल आउटपुट होती है इस आईसी में। तो ये जो बोर्ड है, ये हमारा स्टीरियो है, और ये आपको अगर ऑफलाइन आप दिल्ली से जाके ख़रीदते हो तो ये बोर्ड आपको करीब 450 रुपये तक मिलेगा, जो कि सेलकॉन का है, सेलकॉन कंपनी का है। काफ़ी अच्छा बोर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड है मोनो, जो कि 100 वोट आउटपुट देता है, और ये 2AC बाउंस वाला बोर्ड है, जो कि मैंने इसकी वीडियो पहले भी बना के डाली थी, वो भी आपने देखी होगी, और साउंड क्वालिटी भी मैंने आपको सुनाई थी इस बोर्ड की, काफ़ी अच्छी साउंड है। तो ये बोर्ड भी आपको 450 रुपये का ही मिलेगा, जो कि हमने खुद बनाया है। और अगर आप इस बोर्ड को हमसे जैसे घर डिलीवरी करवाते हैं तो 200-250 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि ये बोर्ड अगर आप घर पे मंगाएंगे तो आपको 650 रुपये तक का ये बोर्ड पड़ेगा, जिसकी आउटपुट 100 वोट है। ठीक है, और अगर इस बोर्ड को आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो ये बोर्ड आपको करीब 750-800-900 या इससे कम ज़्यादा हो सकता है अमेज़ोन पे, तो इस हिसाब से ये बोर्ड आपको मिलेगा। और इसकी आउटपुट भी मैंने बता दी है 50 वोट है। ठीक है, तो ये 50 वोट है और ये 100 वोट है, ये मोनो है कि स्टीरियो है। ठीक है, ये तो हो गया दोनों का फ़र्क, और मैंने प्राइस का फ़र्क भी बता दिया है किसका कितना रेट है। तो अभी क्वालिटी की बात करेंगे, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो 2200 माइक्रोफैड के लगे हुए हैं, 35 वोल्ट में शायद ये, हाँ 35 वोल्ट में ही है। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम इसके कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे लगा हुआ है 8200 माइक्रोफैड का 50 वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो फ़र्क आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। और वहीं पे हम डायोड की बात करें तो डायोड इसके अंदर 6 एम्पियर वाले लगे हुए हैं। ठीक है, तो वहीं पर इसके अंदर डायोड लगे हैं 3 एम्पियर के। ओके, और इसकी बात करें तो इसके अंदर जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 1% टॉलरेंस के लगाए हैं हमने, और इसकी साउंड क्वालिटी बस पूछो मत, ज़बरदस्त है। तो वहीं पे इसके अंदर रेगुलेटर भी लगा हुआ है 5 वोल्ट का, जो कि मॉड्यूलर के ही होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई रेगुलेटर नहीं लगाया है 5 वोल्ट के लिए, तो ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर। और हीट सिंक भी दोनों के लगभग ठीक ही है। अभी बात करते हैं इसकी पावर सप्लाई की। तो इस पे हम जैसे मैक्सिमम 24 का यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का, 5 एम्पियर का, तो इस पे आपको 30-0-30 5-6-7 एम्पियर तक का यूज़ करना है, और 30-0-30 से भी ऊपर का आप यूज़ कर सकते हैं, 40-0-40 45-0-45 भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और साउंड क्वालिटी उतनी ही अच्छी बनेगी। अगर आप इसके ऊपर 45-0-45 यूज करते हैं तो साउंड क्वालिटी एकदम से ज़बरदस्त आएगी। ठीक है, और एक बात और शेयर करनी थी आपके साथ। तो भाई, काफ़ी बोल रहे थे बंदे कि बोर्ड कहाँ से ख़रीदें, तो ऑप्शन अब आपके पास, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दिल्ली लाजपत राय मार्केट। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन अमेजोन से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमसे। ठीक है, क्योंकि अगर आप हमसे ख़रीदते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, और वहाँ से ख़रीदते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और जो हमारे बोर्ड्स के रेट हैं वो हम बता देंगे जल्दी ही, जल्दी वीडियो डालूंगा मैं उसकी भी। तो हमसे आप ख़रीद सकते हैं जैसे 100 वोट में, 200 वोट में, 400 वोट में और 500 वोट में। स्टीरियो आपको चाहिए या मोनो चाहिए वो आपको बताना होगा, उसी हिसाब से बोर्ड रेडी करेंगे हम। और सबसे पहले आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, अगर आपको बोर्ड लेना है तो पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास बोर्ड पहुंचा दिया जाएगा, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो। और बोर्ड जितने रेट का बोर्ड होगा उससे अलग आपका डिलीवरी चार्ज भी लगेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपको बोर्ड खरीदने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, तो हम आपको जल्दी कांटेक्ट कर लेंगे, और कौन सा बोर्ड चाहिए ये भी ज़रूर बताना। तो इन दोनों बोर्ड का मैंने बता दिया है आपको, अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना जो नए बंदे हैं, और वीडियो को भी लाइक करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।